हाय गाइस, तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस वीक मैं आप लोग को ले चलने वाली हूँ नॉर्थ अमेरिका के लार्जेस्ट मॉल, व्हिच इज द वेस्ट एडमंटन मॉल इन एडमंटन। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है विद नाइस कॉफ़ी एंड हम रेडी वगैरह हो के वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू चेक आउट। और द रीज़न व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इज़ बिकॉज आई वांट टू लेट यू नो दैट जो हाउसकीपिंग का जॉब होता है ना, दैट इज़ हेल टफ़, बहुत ज़्यादा टफ जॉब होती है उनकी। इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जैसे ही होटल आई थी, जिस सिचुएशन में मुझे होटल मिला था, बिल्कुल वैसे ही मैं होटल को छोड़ते वक्त जाऊं। तो सारे यूज टावल्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, हर चीज़ नहीं यूज़ किया मैंने, एंड स्टिल द फ्रेश टावल्स आर देयर। तो अगले गेस्ट के लिए वो ये यूज़ कर पाएंगे एंड इट इज़ अ टफ जॉब, तो मेरा इनिशिएटिव है कि थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करूँ, लॉल। एंड उसके बाद हम फाइनली आ गए वेस्ट एडमंटन मॉल। ओ माई गॉड, आई जस्ट लव दिस प्लेस। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको इस मॉल के बारे में। देर आर लाइक 800 शॉपिंग स्टोर्स इन दिस मॉल गाइज, आई नो राइट, इट्स सुपर क्रेजी। और उसके साथ साथ इट ऑल्सो हैज़ 9 टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जिनमें से कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और इसके साथ साथ 2 होटल्स भी हैं इस मॉल में एंड 100 डाइनिंग वेन्यूज है यो गाइस। मतलब जो फूडीज़ है ना, हमारे लिए ये बिल्कुल पैराडाइज है बिकॉज वी कैन एक्सप्लोर टन्स एंड टन्स ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर। एंड इस जगह ने ना 24,000 पीपल को एम्प्लॉय किया हुआ है। तभी मैं कहती हूँ ना यार कि ये वाला मॉल ना अपने में ही एक छोटा सा शहर है। तो मित्रों, चलते हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ इस मॉल में, विच इज़ द प्रोफेसर WEM's एडवेंचर कोर्स। तो बेस्ट पार्ट क्या है पता है, एम्बियंस तो खैर है ही, बट इसके अलावा इट हैज़ 18 होल मिनिएचर गोल्फ कोर्स, विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड इवन मोर फन टू प्ले। पहले मुझे लगा था ऐसे कुछ बोरिंग सा होगा, बट देन नहीं यार, मज़ा ही आई गया बाय गॉड। तो सेकंड जगह मैं ले चलूँगी आपको गैलेक्सी लैंड। एक्चुअली रुकिए, नहीं, लेट्स सेव दिस फॉर लेटर, दिस इज सुपर फन एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड जगह हम पहुंच चुके हैं, विच इज़ मरीन लाइफ एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट हैज़ पेंगुइन्स, शार्क्स, सी लायंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये टेम्परेरली क्लोज्ड था, सी लायंस वाला। थोड़ा सा आगे जब हम मूव हुए, देन वी मेड अ विश। सीक्रेटली आई स्टिल बिलीव इन दिस एंड मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं आप ये सिक्के देख पा रहे होंगे या नहीं, बट आई ट्राइड जूमिंग इन एंड शोइंग इट टू यू। तो यहाँ पे ऐसे स्वॉन्स होते हैं, तो इफ़ यू हैव किड्स, आप अच्छे से आराम से इन्जॉय कर सकते हो। पानी बहुत ज़्यादा क्लीन है, इट डज़ नॉट स्मेल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये शिप। तो गाइज, आप जो ये शिप देख रहे हो ना, यू कैन एक्चुअली रेंट दिस शिप फॉर योर पार्टीज एंड स्टफ। तो अगर आपको ये कोई भी फंक्शन के लिए रेंट करना है, तो इट विल बी $200 GST 90 मिनट्स रेंटल के लिए। सो नाउ वी हैव कम टू द वर्ल्ड वाटर पार्क। तो गाइज पता है क्या, ये ना सेकेंड लार्जेस्ट इंडोर वाटर पार्क है पूरे नॉर्थ अमेरिका का एंड इट हैज़ 17 वाटर स्लाइड्स एंड अ लार्जेस्ट वेव पूल। तो इसको फेक बीच की तरह बनाया हुआ है एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन वेस्ट एडमंटन मॉल, विच इज़ द गैलेक्सी लैंड। गैलेक्सी लैंड इज़ अ प्लेस जहाँ पे मैं 24 आवर्स लिटरली रह सकती हूँ एंड तब भी मैं बिल्कुल बोर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे 27 राइड्स हैं, वो बिल्कुल हाई डिग्री वाली एडवेंचर वाली राइड्स होती है ना, बिल्कुल वैसी ही। आप सोच रहे हो यार इसमें क्या स्पेशल है, ये एक अम्यूज़मेंट पार्क है। अम्यूज़मेंट पार्क में तो हम सब गए हैं, बट मॉल के अंदर इतना ह्यूज अम्यूज़मेंट पार्क होना इज़ अ थिंग। एंड इसका फ्लोर अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल गैलेक्सी यूनिवर्स की तरह बनाया हुआ है एंड दिस प्लेस इज़ सो गुड एंड इट हैज़ सो मच ऑफ गुड पॉजिटिव वाइब्स। सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं एंड इतने एक्साइटेड हो रहे होते हैं। लुक एट दिस, मतलब वो ऊपर से आप देख रहे हो किस तरीके से वो राइड आ रही है और बार बार ऐसे 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 स्पाइरल होके जा रही है। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो एक्साइटिंग। Ha!
सो गाइज वी हैव नाउ रीच द फूड कोर्ट. वेस्ट एडमंटन मॉल में लाइक दो बड़े बड़े फूड कोर्ट्स हैं एंड दे हैव इंडियन ऑप्शंस इज वेल, सो यू कैन चूज फ्रॉम देम. एंड अब हम आ गए हैं बर्बन स्ट्रीट. बिल्कुल नाइट लाइफ वाली फील देती है ये स्ट्रीट एंड काफ़ी क्राउडेड भी है. तो काफ़ी अलग अलग इंटरनेशनल क्विजींस की वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी टू चूज़ फ्रॉम. अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है जैसे जापनीज़, दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. यू कैन गो अहेड एंड ट्राई एंड एक्सप्लोर. तो दिस स्ट्रीट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड वी आर जस्ट वॉकिंग लुकिंग एट व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव. दिस प्लेस गाइज, यूरोपा बुलेवर्ड. एज सून एज आप यहाँ पे आओगे ना, आपको ऐसा लगेगा दैट यू हैव बीन इमिडिएटली ट्रांसपोर्टेड इन टू अ ओल्ड यूरोपियन सिटी. मतलब बिल्कुल वैसा ही सा आर्किटेक्चर है इसका, है ना. तो गाइज जो ये विंडोज़ है ना, इट बिलोंग्स टू अ होटल विच इज़ नोन एज फैंटेसी लैंड होटल. हम कुछ साल पहले यहाँ पे रहने गए थे एंड वी लिव्ड इन द पोलिनेशियन थीम रूम विच रिजेंबल्स एन आइलैंड. इसके अलावा काफ़ी सारे थीम्स के रूम्स हैं जैसे स्पेस, प्रिंसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो गाइज ये है आइस पैलेस और ना ये जगह बड़ी ठंडी होती है, ठंडी ठंडी. आप इसके आसपास भी रहोगे ना तो आपको वो बर्फ़ की ठंड महसूस होगी पूरी. एंड यहाँ पे छोटे से लेकर बड़े से बड़े लोग आइस स्केटिंग करने के लिए आते हैं. हर कुछ घंटे पे ये आइस का जो पूरा लेयर है वो अच्छे से साफ़ किया जाता है ताकि जिसको स्केटिंग करनी हो वो स्मूथली कर सके. एंड आई रियली लाइक दिस प्लेस. सो गाइस 4-5 घंटे से चल चल के बड़ी तेज भूख लगाई है. सो वी आर इन द फूड कोर्ट अगेन टू हैव सम फूड. इसके बाद हमें अभी कैलगरी के लिए भी निकलना है एंड देन कल हम दोनों को ही जॉब पे जाना है. वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ के लिए पैशन हो तो आप कुछ भी कर ले जाते हो. लॉल. सो फॉर द फूड आई हैव ऑर्डर्ड पैड थाई, जो कि राइस नूडल्स है विथ लॉट्स ऑफ वेजीज. बड़ा ही होलसम सा खाना था, मज़ा आया पर मीठा थोड़ा सा ज़्यादा था. लॉल. एंड आफ्टर ऑल दिस वी लेफ्ट फॉर कैलगरी और 3 घंटे लग जाएंगे हमें आराम से पहुँचने के लिए. एंड आप ये काले बादल देख रहे हो गाइज, ओ माई गॉड, इतनी भयानक वाली हवा चल रही थी ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ. एंड देन हमें टॉर्नेडो वार्निंग का मैसेज भी आया था वेदर अलर्ट से एंड इट वाज ओ माय गॉड ऑल टुगेदर एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई वुड से. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अनदर वीडियो. तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.